हाँ तो जी, क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सबका हाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी कि भाई गैलेक्सी M30s का एक्सट्रीम गेमिंग रिव्यू करो। आज हम बहुत ही कमाल की गेमिंग इसमें करने वाले हैं एंड देखेंगे इसमें एक्सिनोस 9611 कैसा परफॉर्म करता है। अगर मैं आपको एम्बियंट टेम्परेचर दिखाऊँ तो मेरे डेस्क का अराउंड 30 है एंड जो स्मार्टफोन का अभी के लिए टेम्परेचर है वो 33 के आसपास है, ठीक है। एंड इस बार मैंने जो ये टेस्ट है थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखना। तो यहाँ पर गाइज ये है आपकी पबजी एंड सबसे पहले मैं इसकी मैक्स ग्राफिक सेटिंग जो HDR अल्ट्रा है, काफ़ी सारे भाई मेरे का कहना है कि ये 730G से ऊपर के लेवल का है। तो यहाँ पर भैया फ्रेम ड्रॉप्स आप देख सकते हो कितने हुए हैं। चलो हम जज नहीं करते है ना, गन उठाते हैं एंड लड़ाई करते हैं लोगों के साथ। ओके तो भैया मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या है गेम को? ये मेरे हिसाब से 5-10 के फ्रेम रेट पे आपके सामने जो है चल रही है, इतना ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप तो भाई मैंने 5,000 के स्मार्टफोन में नहीं देखा। कुछ लोग बोल, ये देखो आहा, गोली भी एक एक करके चल रही है। गोली ना एक्चुअली आके पहले पूछ रही है कि भैया मैं चल जाऊं, ये देखना, ये देखो, वाह शाबाश, बंदा तो मार दिया मैंने। बट आप फ्रेम ड्रॉप देख रहे हो कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये बेहतरीन। ये देखो पता ही नहीं चला मैं कैसे मर गया। ये HDR अल्ट्रा में इसका ये हाल है, ठीक है गाइस। सेटिंग अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें गेम बहुत स्मूथली चलता है, ठीक है। आप देख लो कि कितना टाइम लग रहा है लोडिंग के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई पबजी में ऐसा होता है तो हम और भी गेम्स खेलेंगे, बट सच बताऊँ ना तो इस स्मार्टफोन की माँ बहन हो चुकी है इस गेम में, कुछ भी नहीं चल रहा। कैसे डिफाइन करूँ, मेरे को तो पंजाबी का लफ्ज भी नहीं आता। ये देखो, पता लगा कुछ आपको? आपके सामने ये सारा कुछ हुआ है। चलो आप बोलोगे भाई ग्राफिक सेटिंग कम कर ले, अब हम खेलेंगे HD अल्ट्रा में। चलो HD हाई में खेलेंगे, और बताओ, ठीक है। चलो ग्राफिक सेटिंग कर दिया हमने कम, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। ये देखना, ये देखो, ये बंदूक चल रही है या ट्रैक्टर चल रहा है या कुड़ूका चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा, मेरे को गोलियां पड़ रही हैं एंड अभी थोड़ी सी स्मूथ हुई है। बट अगर आप बोलो कि ये 730G वाली परफॉर्मेंस है, भैया इससे अच्छा तो 636 चलता है। यहाँ पर पुअर फ्रेम रेट है, क्लियरली बता रहा हूँ आपको, कोई शुगर कोट नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि साहिब भाई आप सैमसंग के फ़ोन की बुराई करते हो। भाई बुराई नहीं करता, जो बात सच है वो बताता हूँ। देखो कुछ नहीं, मेरे को पता चला कि कहाँ से गोली आई, क्या हुआ, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं मजाक भी क्या करूँ इस स्मार्टफोन में। ऐसी ही परफॉर्मेंस आपको गैलेक्सी A50s में देखने को मिलेगी। बट गाइज ये हो सकता है कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन अभी इतनी अच्छे तरीके से नहीं की गई, मैं खेल ही नहीं सकता गाइज गेम को, चल ही नहीं रही, बहुत फ्रेम ड्रॉप है। तो गाइज मैं थोड़ा टाइम ना इस वाले ग्राफिक सेटिंग्स में खेल के आपको दिखाऊंगा। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई नूबा भाई इसमें गेम चलती नहीं है, ये देखो मार दिया, ले अपने बूढ़े से पंगा। एंड ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर आप रियलिटी में इसकी गेमिंग चेक करो ना, HD हाई में काफ़ी बिलो एवरेज गेमिंग परफॉर्मेंस है, मेरे बंदे को मारेगा, ठीक है। इससे बेहतर होनी चाहिए थी रियलमी XT हो गया, 5 प्रो हो गया, MI A3 हो गया, वो इससे बेहतर परफॉर्म करते हैं गेमिंग के डिपार्टमेंट में, ठीक है। आगे चल के देखते हैं इससे बदला लेंगे। चलो हम ऐसा करते हैं ग्राफिक सेटिंग को बैलेंस्ड कर लेते हैं, अभी इतने ग्राफिक सेटिंग्स में आपको गेम चला के कोई नहीं दिखाएगा, तो वीडियो पे एक लाइक तो यार बनता है, प्लीज़ कर देना, ठीक है। तो गाइज बैलेंस्ड में अभी मैं गेम खेल रहा हूँ एंड अभी जाके ना गेम प्लेएबल हुई है। तो मेरा सारा ये रिव्यू बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको सच दिखा सकूँ कि इस जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो कैसी है, क्या ये 730G के लेवल की है। हैं ले अपने बूढ़े से पंगा, क्यों पंगा लेता है पता भी है कि भाई बात कर रहा है, फिर बीच में आके गोलियां चला रहा है, बदतमीज आदमी, खड़ खड़ खड़, ये लो एक और, ठीक है। तो गाइज ये आपको क्लियर कर देगा कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो गाइज ये जो है लेवल कंप्लीट हो गया एंड अगर मैं ऑन स्क्रीन टेम्परेचर की बात करूँ 42 एंड अभी खेलते हुए 5 से 6 मिनट ही हुए हैं, तो आप हिसाब लगा लो। एंड यहाँ पर जो बैक का टेम्परेचर है वो है अराउंड 41, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अभी सिर्फ अराउंड 7 मिनट में ये स्मार्टफोन 41 पे आ गया है।
एंड गाइज ये नई गेम है जो अब हम खेलेंगे, इसका मतलब है कॉल ऑफ ड्यूटी, यानी कि हमारे काम से हमें कॉल आ चुकी है। देखते हैं ये गेम में कैसा परफॉर्म करता है। मैं एक लेवल खेल चुका हूँ एंड अभी बता दूँ कि मेरे को इसकी जो बैक है वो वॉर्म फील हो रही है। आ जाओ जय माता की, आओ आओ दो हाथ करके प्रसादा लो एंड लो एमओ, आ जाओ आ जाओ। तू तो अपने बंदा, सॉरी सॉरी गलती होगी भाई। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें करेक्टर मूवमेंट काफ़ी स्मूथ है। जो बात गाइज आपको बताने वाली है ना कि इसमें जो जीपीयू लगाया गया वो नॉर्मली आपको मीडिया टेक के हीलियो P60 और 70 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एंड इस गेम में गाइज फ्रेम रेट काफ़ी अच्छा, स्मूथ परफॉर्मेंस है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट जो गेम ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव है ना वहाँ पे इसे पंगा पड़ता है, या फिर कहूँ ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स में इस फोन को मौत पड़ जाती है, ठीक है। एंड काफ़ी वॉर्म हो चुका है ये अभी। अगर मैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो मेरे को 1% भी इशू नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले सैमसंग ने डाल के दिया। तो इसमें तो यार पंगा ही नहीं है, सारा पंगा है इसकी हीट मैनेजमेंट और गेमिंग में। अभी आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नॉर्मल गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए भी ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, ठीक है। गेमिंग भी ठीक ठाक सी हैंडल कर लेता है, बट अगर आप एक्सट्रीम गेमिंग करना चाहते हो तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। पंगा लेगा अपने बूढ़े से तो ऐसा ही होगा, विक्ट्री होगी आपके भाई की। बट गर्मा गर्म टेम्परेचर में हमने ये गेम को खेला है, 41.7 डिस्प्ले पे हल्का सा ज़्यादा मेरे को फील हो रहा था इससे भी, बट 42 तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं। इसका बड़ा भाई गैलेक्सी A50s वो थोड़ा ज़्यादा हीट होता है। बैक की बात करूँ 41.2, तो बैक भी कंसिडरेबली ठीक है, अभी तक तो टेम्परेचर इतना राइज नहीं हुआ। गाइज अब हम खेल रहे हैं एसफाल्ट के मासी की कुड़ी, यानी कि एसफाल्ट 9 को। इसके ग्राफिक्स बड़े धांसू होते हैं, ये देखना बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं धूम मूवी चल रही है। एंड टैप तो कर रखा है, अच्छा डबल टैप करना है, अच्छा चलो ये पागलों की तरह ठुमका लगाएगी, वाह चल। ये एक और ठुमका, चल चक होर ले फुफड़ना पंगे। एंड हमारी गाड़ी जो है पूरी फॉर्म में है, चक चक तबाही मचा दी। वैसे अगर इसका चलान होगा तो भैया 1.5-2 करोड़ का ही होगा, जितना इसने तबाही मचा रखी है। इस गेम में कोई भी इशू नहीं है, स्मूथ है, हल्के से माइनर से फ्रेम ड्रॉप है बट नॉर्मल है। इसका स्पीकर भी गाइज आप देख सकते हो कि मैक्स वॉल्यूम पर है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मैं स्पीकर में भी देखना चाहता था, बहुत लाउड नहीं है। क्योंकि आपको पता है नॉर्मली एसफाल्ट जैसी गेम में मैं आवाज़ को कम कर देता हूँ, बट आवाज़ फुल होके भी यहाँ पे मेरे को लाउड नहीं लग रही, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। गाइज अभी लास्ट में हम खेलेंगे शेडो गन लेजेंड्स एंड ये बड़ी डांसू गेम है, बड़ा मज़ा आता है इसमें खेलने में। एंड चल भी खुल जा सिम सिम, चलो एक बार फिर खुल जा दरवाजे, एंड दरवाज़ा खुल गया। एंड हल्का सा फ्रेम ड्रॉप, ये नॉर्मल है, यहाँ पर भी थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके गाइज स्क्रीन का टेम्परेचर वैसे तो 41-42 के अराउंड है, बट मेरे को ज़्यादा फील हो रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों। एंड अच्छा चल रही है गेम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्या करना है, इससे उड़ाना है ना डिस्ट्रॉयर गन बड़े वेपन के साथ। एंड जलेबी बम छोड़ेगा आपका भाई, वाह ग्राफिक्स इसमें तो ठीक है। हाँ बस मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा, सैमसंग थोड़ा सा अच्छा स्पीकर हमें प्रोवाइड कर सकता था, इनका कौन सा काटा पड़ना था। फिर से थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप, ठीक चल रही है गेम गाइज, मज़ा आ रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। बट मेरे को इसकी डिस्प्ले काफ़ी वार्म फील हो रही है, ठीक है। बैक भी इसकी वार्म हो चुकी है, वाह ठीक है यार, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छी है। चल आ जा, ये खट्टा सा आदमी आ गया, इसे भी उड़ाना ज़रूरी है। तो गाइज यहाँ पर पीछे एक राक्षस आ चुका है, इसे कहते हैं हम तीखी लाल मिर्ची राक्षस। एंड ओहो इतनी ज़ोर से इसने छोड़ा है कि बदबू तो आई आई है। एंड इसे मारना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास जलेबी बम नहीं है, बट कोशिश आपका भाई पूरी करेगा। एंड अभी तक अगर मैं इसका गेमिंग रिव्यू समअप करूँ ना गाइज, तो गेमिंग रिव्यू एक्चुअली में 14,000 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। पबजी में परफॉर्मेंस इसकी बैलेंस्ड तक ठीक है, उससे ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर ये गेम प्ले तो हो रही है बट स्मूथ प्लेबैक नहीं है।
अभी जो टाइम हुआ है 4:54 हो चुके हैं एंड 71% बैटरी लेवल है, तो बैटरी कंजप्शन तो काफ़ी कम है। ऑन डिस्प्ले है 42 के आसपास टेम्परेचर, फिर भी मैं बोलूँगा ठीक है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे नहीं है। एंड डिस्प्ले की बैक साइड में जो मेन बैक साइड होती है वहाँ पर भी 41-42 है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कोई भी ओवरहीटिंग तो नहीं है इस डिवाइस में। बट अगर आपने पबजी खेलने के लिए लेना है तो आप ये सोच के मत लीजिएगा कि आप इसमें HDR में खेल पाएंगे। HDR सेटिंग अवेलेबल है बट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बैलेंस्ड में आप प्लेएबल सेटिंग है उससे कम में तो मज़ा आएगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, अगर कोई कॉमेंट है क्वेरी या क्वेश्चन है कुछ भी है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। आपका भाई आपसे मिलेगा अगले वीडियो में।